नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धेश चौहान है और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं कि आज हम लीड मैन का जो है सिविल लीड मैन मेसन लीड मैन का जो है कि क्या प्रोसेस होता है, लीड मैन कैसे बनता है, कितना सैलरी होता है, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं। तो हमारे साथ में जो है की सिविल लीड मैन जो है की आए हुए हैं। तो आपका नाम क्या है भाई? रमेश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश जी। तो आप इसमें कंपनी में कौन सा मतलब ट्रेड पे आए? सिविल लीड। सिविल लीड मैन का, ठीक है। तो आपका जो है कि सिविल लीड मैन में कौन सा आपको काम आता है? सिविल लीड मैन में भी देते है, स्टील का काम भी है, ब्लॉक का काम भी है, लेकिन हम लोग तो स्टील का नहीं देता है, लेकिन ब्लॉक का काम भी आता है, कारपेंटर का काम भी आता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि एक सिविल लीड मैन में आए तो आपका ये यहाँ गल्फ का कितना एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस का तो नहीं पूछे, गल्फ का एक्सपीरियंस तो 23 इयर्स चल रहा है, 23-25 इयर्स चल रहे हैं। अच्छा जी, तो सिविल लीड मैन का जो सैलरी कितना हो सकता है? सिविल लीड मैन अगर कोई आ रहा है सिविल लीड मैन में, उसका सैलरी कितना तक रहता है? लगे तो इसमें 1200 भी देता है, पहले जो आया उनको 1400 भी दे रहा है, लगे का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन लगे अच्छा भी मिलता है कहीं कहीं। मान लीजिए आप 1400 है और ओटी भी मतलब आता है 2 घंटा, 300 उसका हो गया तो 1700 रुपया हो गया। तो इंडिया का 35-40 हजार के लिए एयरपोर्ट में हो जाता होगा। हाँ, 40 हजार तक मिले, 40-35 हजार मिले। ठीक है। अगर कोई मान लीजिए मेसन में है, कारपेंटर में है, तो मतलब वो कैसे सिविल लीड मैन बन सकता है? मेसन लीड मैन, कारपेंटर लीड मैन, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा मतलब वो लीड मैन बन सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, अगर आदमी ऊपर बढ़ेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है काम करने के लिए, काम सब देखना भी पड़ता है, आदमी भी देखना पड़ता है, ड्राइंग भी समझना पड़ता है, कोई काम गलत होगा तो अगर जब आदमी खड़ा है तो उसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे लीड मैन हो चाहे बॉल मैन हो चाहे कोई भी नहीं, जो आदमी सामने आएगा उसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो लीड मैन है वो काम कराना उसको रहता है, वो काम गलत हो रहा है सही हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम को सही कराना है, और आदमी को जो है कि मैनेज करना है, जो है फोन मैन जिधर भेज दिया उधर ले जाके काम को करवाना है, आदमी भी देखना है और प्लस काम को भी देखना है, इसमें तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी। लेकिन हम लोग एल एन टी में हम काम किए हैं, उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फोरमैन का थोड़ा ही लीड मैन समझ लिए, फोरमैन से लीड मैन है तो समझे कि वो फोरमैन ही, उसको फोरमैन के द्वारा ही बात किया जाता है, चाहे सी एम हो चाहे कुछ हो, फोरमैन ही बोलेगा और फोरमैन का अधिकारी भी, टी आई में सब फोरमैन ही वही सारी। तो अगर लीड मैन है तो लीड मैन का जो कि एजुकेशन कितना होता है, कितना पढ़ाई लिखाई करना चाहिए? एजुकेशन तो कम से कम लिखने पढ़ने लायक होना चाहिए, हाई स्कूल मैट्रिक नहीं तो इंटर होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, बाकी तो काम के ऊपर है, काम का आप बना ले रहे तो आप अनपढ़ है तो भी लीड मैन कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा, बहुत से कंपनी में चल जाएगा पढ़ाई, कंपनी में चल जाएगा लेकिन काम का पूरा अनुभव होना चाहिए, अनपढ़ है तो टाइम भी देखना चाहिए, तो टाइम में क्या क्या लिखा है वो कैसे पढ़े, ये मतलब वो टाइम शीट लाना, उसका टी आई लिखना, नाम लिखना, सब चीज है ना, उतना तो आना चाहिए, कितना काम किया कितना काम नहीं किया, कौन से एरिया में क्या, वो थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, तो डिटेल भी देना पड़ेगा, कितना काम किया हमारा आदमी, कितना काम किया है पूछेगा उसके हिसाब से बताना पड़ेगा, हमारा आदमी इतना आज काम किया है इसको इतना ओटी मिलेगा, तभी तो नहीं बताएगा तो कैसे मिलेगा ओटी, या प्रोग्रेस नहीं देगा तो ओटी कैसा, ये तो छोड़िए 10 घंटा का ड्यूटी आप करेंगे, 10 घंटा के ड्यूटी में भी आपको 10 घंटा का काम दिखाना ही है, यानी 10 घंटा आपके पास वर्कर काम कर रहा है तो 10 घंटा में वो क्या क्या काम किया है, कितना काम किया वो आपको दिखाना पड़ेगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और क्या, खाली काम ही नहीं देखना, आदमी का प्रोग्रेस भी देखना है, आदमी क्या कर रहा है वो भी देखना है, आदमी का शक्ति भी देखना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को और कमेंट करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।